अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉलो में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये डीसीए कोर्स का सेकंड सीजन शुरू हो रहा है। फर्स्ट सीजन में यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मैंने 7 पार्ट में पूरा किया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 1 से लेकर 7 पार्ट तक पार्ट बाय पार्ट आप देख करके पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकते हैं। आज सेकंड सीजन का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये कब डेवलप किया गया और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मैन कंपोनेंट्स कौन कौन से है जो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटअप रहता है, तो इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां से देख करके आप आसानी के साथ समझ सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को विंडोज, विंडोज ओएस और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 1991 में पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बहुत सारे वर्जन है जैसा कि विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10 एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जब ओपन करते हैं, तो इसके बहुत सारे मेन कंपोनेंट होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है। उसमें सबसे पहला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जैसे हम अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो विंडोज स्टार्टिंग के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन हमें दिखाई देता है, इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये मेन वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर ऑपरेशन का। कंप्यूटर का जो वर्किंग एरिया होता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी ये तस्वीर में जो आपको ब्लैक पट्टी के साथ ये पूरा एक सेटअप दिख रहा है, इसको मॉनिटर बोला जाता है। और ये बीच का जो हिस्सा है, जो लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है जैसा कि आप इस साइड की तस्वीर में देख रहे हैं, इसको डेस्कटॉप बोला जाता है और इसको मॉनिटर बोला जाता है। ये फर्क डेस्कटॉप और मॉनिटर में आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है टास्क बार। टास्क बार ये स्क्रीन के सबसे निचले वाले हिस्से में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये रेड मार्क जिस पे किया गया है इसको टास्क बार बोला जाता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे होते हैं, जब कई एक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो उस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देता है कौन कौन एप्लीकेशन हमारा ऑन है। और यहाँ से हम एप्लीकेशंस को ऑफ भी करते हैं और आसानी के साथ एक्सेस भी कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन आपका ऑन होता है, वर्क कर रहा होता है, जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है टास्क बार में, इसको टास्क बार बोला जाता है। उसके बाद है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मेन कंपोनेंट में से एक है। स्टार्ट मेनू ये स्क्रीन के बाएं साइड और नीचे में यानी इस कॉर्नर पे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसको स्टार्ट मेनू बोला जाता है। स्टार्ट मेनू पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं वो तमाम एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम का तमाम एप्लीकेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यह है स्टार्ट मेनू। उसके बाद है दिस पीसी या माई कंप्यूटर। ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंपोनेंट्स में से एक है। दिस पीसी या माय कंप्यूटर ये दोनों एक ही है। कहीं पे दिस पीसी लिखा रहता है जिसका आइकन इस तरीके से होता है, कहीं पे माय कंप्यूटर, कहीं पे सिर्फ कंप्यूटर लिखा होता है। ये डिफरेंट टाइप के आइकन से उसमें सेटअप रहते हैं, जिसको दिस पीसी बोला जाता है या माय कंप्यूटर बोला जाता है। ये वो आइकन है, जब आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं वो तमाम खुल करके आ जाते हैं, जिसको आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। यानी इस पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन करके आपके सिस्टम में जितने भी डिस्क ड्राइव बनाए हुए होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं डिस्क सी, डिस्क डी, डिस्क ई वगैरह बनाते हैं, वो तमाम खुल करके आ जाते हैं। उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर होते हैं, तो इसके जरिए से आप उसको आसानी के साथ मैनेज कर पाते हैं। इसको दिस पीसी या माई कंप्यूटर बोला जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मेन कंपोनेंट्स में से एक है।
उसके बाद है रिसाइकल बिन, ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंपोनेंट्स में से एक है। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन यानी जब आप किसी भी तरह का फाइल्स, फोल्डर्स, इमेजेस, वीडियोस, किसी भी तरह का आइटम अपने फोल्डर या फाइल से या किसी भी डिस्क से आप डिलीट करते हैं तो वो आकर के इसी रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। इसमें उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक कि आप यहां से भी उसको डिलीट ना कर दें। जब तक आप इससे उस फाइल या फोल्डर या उस आइटम को डिलीट नहीं करते हैं तब तक इसमें मौजूद रहता है। जब भी आपको जरूरत हो दोबारा यहां से आप रिस्टोर कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देते हैं तो दोबारा आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, उसको फाइंड नहीं कर सकते, वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है। तो जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर या आइटम डिलीट करते हैं तो वो इसमें आकर के स्टोर हो जाता है, जिसको रिसाइकल बिन कहा जाता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स, ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मेन कंपोनेंट्स में से एक है। डॉक्यूमेंट्स ये किसी भी तरह का फाइल, फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए मुनासिब स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसा कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, और उस पर काम करके आप एक फाइल को सेव करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए कोई डिस्क नहीं चूज करते हैं, कोई फाइल या फोल्डर वगैरह नहीं चूज करते हैं, ऐसे ही आप उसको सेव कर देते हैं तो वो आकर के इसी डॉक्यूमेंट्स में स्टोर हो जाता है। यानी ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स और फाइल वगैरह को स्टोर करने के लिए। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मेन कंपोनेंट है। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ये तमाम कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में आ जाता है, जिसको आप आसानी के साथ यूज कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।